नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 9 के आपके आगे के भाग को अपने पढ़ेंगे। उस भाग में हमने देखा था कि संवैधानिक राजतंत्र की क्या है, फ्रांस में स्थापना किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से क्या है एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका के हाथ में शासन सौंपने के पश्चात फ्रांस की जनता जो है वो थोड़ा राहत का सांस लेने का प्रयास करती है। तो उससे पहले समझते हैं कि संवैधानिक राजतंत्र था किस प्रकार का, वो देखिए। संवैधानिक राजतंत्र में उस समय मैं समझा रहा था आपको कि एक तो न्यायपालिका थी, न्यायपालिका, एक कार्यपालिका और एक विधायिका। या विधान परिषद कह सकते हो। इन तीन भागों में क्या है फ्रांस का शासन सिमटा हुआ था। अब क्या है, न्यायपालिका स्वतंत्र थी, इसके ऊपर किसी भी विधायिका या कार्यपालिका का किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं था। लेकिन क्या है, जो कार्यपालिका थी उसका चुनाव एक मतदान के तरीके से होता था, अप्रत्यक्ष मतदान के तरीके से। वो देखिए किस प्रकार से कि सबसे पहले क्या है, विधायिका के लिए सदस्य चुने जाते थे, विधायिका के लिए सदस्य चुने जाते थे, उन सदस्यों को चुनने के लिए भी कुछ सदस्य चुने जाते थे और उनको चुनने के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा क्या है मतदान करता था, मतदान करता था। ये चुनकर इनमें से चुने जाते थे इस भाग के लोग और फिर इस भाग के लोग चुने जाते थे और वो विधायिका के लोग जो क्या करते थे, राजा को यानी सम्राट को कंट्रोल किया करते थे और साथ ही मंत्रियों को कंट्रोल किया करते थे। यानी इन दो कार्यपालिका के दोनों भागों पर कंट्रोल किसका था, विधायिका का था। इनका इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था, यानी विधायिका के ऊपर कार्यपालिका का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं था। अब जो निर्वाचक लोग थे, नेशनल असेंबली जिनको कहा जाता था विधायिका में, नेशनल असेंबली, उसके सदस्य होते थे 745 जो क्या है राजा को कार्य करवाते थे, उसको निर्देश देते थे कार्य करने के। वो सारे कार्य क्या है राजा से करवाते थे और उन सदस्यों की संख्या कितनी थी 745। इन 745 सदस्यों को चुनने के लिए निर्वाचक वोट डालने वाले होते थे 50,000 पुरुष। 50,000 पुरुष जो थे वो निर्वाचक वोट डालते थे, यानी इन 745 सदस्यों को चुनने के लिए उनको वोट देने का अधिकार था। ठीक है, ये चुनकर यहाँ जाते थे। यहाँ जो चुनने वाले लोग थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन यह सिर्फ समाज के उन्हीं लोगों से आते थे या इनमें से क्या है वोट डालने का अधिकार किनको था, सक्रिय नागरिकों को था, जो क्या है 40 लाख के तकरीबन लोग थे। यानी जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको जनसंख्या बताई थी, 2.8 करोड़ के लगभग हो चुकी थी फ्रांस की जनसंख्या, लेकिन उनमें से सिर्फ 40 लाख लोग जो थे वही क्या है मतदान कर सकते थे निर्वाचक पुरुषों के लिए, और निर्वाचक पुरुष वोट करते थे नेशनल असेंबली के लिए। ठीक है, तो इनको क्या है सक्रिय जनता भी कहा जाता है। सक्रिय जनता जो क्या है राजनीति में, राजतंत्र में क्या है सक्रिय रूप से भाग ले रही थी। इसके अलावा जनसंख्या का एक भाग, बहुत बड़ा भाग क्या है निष्क्रिय जनता के रूप में बच जाता है। जनता जो 40 लाख के अलावा 2.8 करोड़ में से लोग बचते हैं, वो जनसंख्या जो थी वो निष्क्रिय जनसंख्या थी, जिसके अंतर्गत कौन आते थे, समाज के या फ्रांस के अनुसार क्या है एस्टेट 3 के क्या है द्वितीय वर्ग के लोग, या मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, व्यापारी, दुकानदार इत्यादि लोग जो है वो निष्क्रिय जनसंख्या के अंतर्गत आते थे। साथ ही साथ महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था उस समय फ्रांस में। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 1946 के बाद में फ्रांस को मिला है। ठीक है, उससे पहले क्या है
वोट डालने का अधिकार महिलाओं के पास नहीं था। तो अब क्या करती है ये लोग इस प्रकार से क्या है, एक विधायिका को यानी नेशनल असेंबली को चुना करते थे और वही नेशनल असेंबली क्या है सम्राट को भी कंट्रोल किया करती थी और मंत्रियों को भी कंट्रोल किया करती थी। यानी काम किसके अकॉर्डिंग होगा, नेशनल असेंबली के अकॉर्डिंग। नेशनल असेंबली किसके अनुसार कार्य करेगी, 50,000 जो पुरुष निर्वाचक है उनके अनुसार, और ये क्या है इन 40 के अनुसार कार्य करेंगे और इन जनता के लिए ये कार्य करेंगे, ठीक है। न्यायपालिका जो थी उसका भी क्या है सीधा चुनाव होता था और उसका चुनाव करने के वाले भी कौन थे, यही जो सक्रिय मतदाता थे, सक्रिय जनता थी, यही 40 लाख लोग भी क्या है न्यायाधीशों की भी या न्यायालय के न्यायाधीशों की भी क्या है वोटिंग के द्वारा क्या किया जाता था, न्यायाधीश को चुना जाता था। न्यायाधीश को चुनने के लिए क्या है 40 लाख लोग मतदान किया करते थे और विधायिका को चुनने के लिए क्या है 40 लाख मतदान किया करते थे 50,000 पुरुषों के लिए जो निर्वाचक के रूप में क्या है होते थे और यही क्या है वोट डालते थे असेंबली के लिए। यानी एक तरह से क्या है जनता के लिए है अप्रत्यक्ष क्या है संवैधानिक राजतंत्र बन चुका था, क्योंकि था राजा का ही राजा वहाँ राज कर रहा था लेकिन कंट्रोल क्या है राजा के पास में नहीं था, कंट्रोल जनता के हाथ में था, नेशनल असेंबली के हाथ में था। कानून बनाने का कार्य भी किसका था, नेशनल असेंबली का, ठीक है। संविधान बनाने का भी कार्य किसके पास था, नेशनल असेंबली के पास, ठीक है। तो नेशनल असेंबली संविधान बना रही थी, कानून बना रही थी, इसके साथ साथ क्या कार्य थे उनके कि सभी के लिए समान अधिकार हों, सभी वर्गों के लिए क्या है समान अधिकार हों उनके पास, उनके अधिकार क्या हो नैसर्गिक हो और अहरणीय हो, उनके अधिकार नैसर्गिक तथा अहरणीय यानी उन अधिकारों को कोई छीन न सके इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, वर्गानुसार अधिकार नहीं थे, वर्गानुसार अधिकार नहीं दिए गए थे, बजाय जन्म के साथ ही क्या है कुछ मौलिक अधिकार के रूप में, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के रूप में क्या है जनता को सौंपे जाते थे, उनके पास धन कितना है इस आधार पर अधिकार उनको नहीं दिए गए थे। अधिकार किस किस चीज़ों के थे, जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, जीवन, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता से जीने का अधिकार हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्या है कुछ मौलिक अधिकार जनता को दिए गए थे, जिस संविधान का निर्माण किसने किया था, नेशनल असेंबली ने किया था 1791 के अंदर, इसका पूरा प्रारूप तैयार हो चुका था। और इसके बाद 1791 के बाद क्या है जो लुई 16वां शासक था उनका, वो क्या है हस्ताक्षर कर देता है इसके ऊपर, नेशनल असेंबली क्या है 1792 तक क्या है कानून को पारित कर देती है, जब लुई 16वां उस पर साइन कर देता है, अपने हस्ताक्षर कर देता है। हस्ताक्षर के बाद क्या है कानून लागू हो जाता है। हालांकि लुई 16वां क्या करता है हस्ताक्षर कर देता है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी वो क्या है अन्य जो राजा थे उनके संपर्क में था, और इसी पॉइंट को जानने के लिए अपने नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, राजतंत्र का उन्मूलन। इसको ध्यान में रखना होगा आपको, क्योंकि जो लास्ट पॉइंट होगा अपना डायरेक्टरी शासित फ्रांस, उसमें भी क्या है सिस्टम यही सेम रहेगा, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा जिसको मैं बढ़ाऊँगा आपको। तो ध्यान में रखना है न्यायाधीश को चुनने के लिए 40 लाख जनता है, एक निष्क्रिय जनता का भाग है जो किसी भी प्रकार से मतदान नहीं करती है, मतदान करने का अधिकार मात्र 40 लाख लोगों को था, जो क्या है समाज में एक अच्छा अस्तित्व रखते थे, पढ़े लिखे थे या फिर क्या है वो बड़े व्यापारी थे, सिर्फ उन्हीं लोगों को मतदान करने का अधिकार मिलता था और वो मतदान करके 50,000 लोगों को चुनते थे जो बाद में नेशनल असेंबली के 745 सदस्यों को चुना करते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं अपने, राजतंत्र का उन्मूलन।
क्या है संवैधानिक राजतंत्र को की स्थापना कर दी थी, तो फिर जरूरत क्या पड़ी कि सम्राट को भी हटा दिया जाए। ऐसा क्या आवश्यकता हुई कि सम्राट को हटाने की मजबूरी हो गई फ्रांस की जनता की, जबकि वो सम्राट को रखे हुए थे आराम से, उनको क्या है अधिकार मिल गए थे, उनको कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन लुई सोलवा ने खुद अपने पैर पे क्या है कुल्हाड़ी मार ली और उसने क्या किया, फ्रांस क्या है साइन तो कर दिए थे उसने जो संविधान बनाया गया था नेशनल असेंबली के द्वारा, ठीक है उस पर साइन कर दिए थे, लेकिन क्या कर दिया वो पर्शा के शासक, पर्शा जो जर्मनी में है उसके शासक के साथ संपर्क में था, साथ ही साथ ऑस्ट्रिया व अन्य पड़ोसी देश ऐसा नहीं चाहते थे कि वहाँ की जनता भी क्या है फ्रांस से सीख लेकर वहाँ पर भी क्या है संवैधानिक राजतंत्र कर दे और वहाँ के राजाओं की निरंकुशता को हटा दे। पड़ोसी राजा ऑस्ट्रिया जर्मनी या फ्रांस पर्शा के जो शासक थे वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, वो सीधा क्या है ये सभी जगह के राजा क्या है संपर्क में आए लुई सोलवा के और उसको वार्तालाप करने लगे कि दोबारा से किस प्रकार से वहाँ फिर से पुराना राजतंत्र ही स्थापित कर दिया जाए, जो क्या हो निरंकुश राजतंत्र हो, वही दोबारा से स्थापित करने के लिए लुई सोलवा बार बार क्या है अपने पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया पर्शा वगैरह जो देश थे उनसे बार बार क्या है संपर्क में आना चाहता था। ये सारे पड़ोसी देश जो थे वो 1789 की सर्दियों में जून में लगभग क्या है क्रांति हुई थी वहाँ की, वहाँ जून में सर्दी होती है और वहाँ की गर्मी के बाद क्या है या जून के बाद जो क्रांति हुई उसके बाद क्या है वो चाहते थे कि दोबारा से तख्ता पलट किया जाए। इस बात की क्या है भनक नेशनल असेंबली को लग जाती है और अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने पर्शा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या है युद्ध की घोषणा कर दी। क्या होता है इसकी बारे में पता लग जाता है नेशनल असेंबली को और 1792 में क्या है पर्शा व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या है युद्ध की घोषणा कर देती है, कौन नेशनल असेंबली वहाँ की। और नेशनल असेंबली के युद्ध की घोषणा के पश्चात क्या है वहाँ के लोगों की देशभक्ति जो स्वयंसेवी सेना जो जनता के हर वर्ग से वहाँ पर क्या है कार्य कर रही थी अपने देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए, वो सारे स्वयंसेवी सेना के जो लोग थे वो इसके लिए आगे आए। इसके लिए क्या है एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आपकी बुक में कि जो यूरोपीय राजा हैं उनके विरुद्ध जंग लड़ने के लिए सारे स्वयंसेनिक क्या है तैयार हो गए और उन्होंने क्या किया उन्होंने एक राष्ट्रगान जो अभी फ्रांस का राष्ट्रगान है मार्सिले नामक जो राष्ट्रगान है अभी जो राष्ट्रगान वहाँ का है उसको गाते हुए वे चलते रहे। इसका मार्सिले क्यों है क्योंकि मार्सिलेश नामक स्थान से क्या है वो पेरिस तक गाते हुए गए थे सैनिक, ठीक है इसको इसीलिए मार्सिले कहा जाता है। मार्सिले क्या है फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम है, फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम है, जैसे अपने राष्ट्रगान का नाम जनगणमन है उसी तरह वहाँ के राष्ट्रगान का नाम क्या है मार्सिले। और मार्सिले क्यों है मार्सिले से लेकर पेरिस तक वो गाते हुए अपने इस प्रकार की देशभक्ति के साथ वो वहाँ पहुँचते हैं ताकि वो युद्ध कर सके, इकट्ठा हो सके, सेना को गठित किया जा सके। ये जो राष्ट्रगान है वो लिखा गया था रोजेट दी लाइल रोजेट दी लाइल के द्वारा यह लिखा गया था। रोजेट दी लाइल ने मार्सिले लिखा तो
नेक्स्ट चलते हैं अपने कि क्रांतिकारी जो थे वो अब क्या है, सीधा अपने देश के स्वतंत्रता को बचाने के लिए कार्य में लगे हुए थे। इसी कार्य के दौरान अब वो लगातार क्या है, युद्ध के लिए खर्चा करेंगे, सेना को गठन करने के लिए, युद्ध करने के लिए खर्चा चाहिएगा। तो जो देश की जनता है वो भारी आर्थिक संकट में पहुंच गई। आर्थिक संकट क्या है, इन क्रांतिकारियों के ऊपर पहुंच गया, या क्रांतिकारी जो है वो आर्थिक संगठन में फंस गए, संकट में फंस गए, जिसके कारण क्या है, उनको जो उस समाज की महिलाएं थी उनको क्या है, मोर्चा संभालना पड़ा। और वो आगे आई, मतलब समाज को फ्रंट किया उन्होंने, और समाज के जितने भी अन्य कार्य थे उनको महिलाएं अपने द्वारा पूरा करने का प्रयास करती रही। और महिलाओं ने भी क्या है, एक प्रकार से क्रांति की शुरुआत की, जिसमें वो अपने लिए अधिकार, क्योंकि पुरुषों को विशेष अधिकार मिल गए थे और इनको क्या है, अधिकार कम मिले थे, अपने अधिकारों के लिए, राजनीतिक पदों के लिए, राजनीतिक पदों के लिए क्या करने लगी थी, उन्होंने भी क्या है, क्रांति करना शुरू कर दिया था। अब क्या होता है, आर्थिक संकट आने के कारण लगातार उनमें क्या है, समस्या बढ़ती जा रही थी फ्रांस के समाज में, और जिम्मेवारी जो है वो औरतों के कंधों पर आकर पड़ गई थी। लेकिन अब क्या है, एक समस्या और आकर लगातार बढ़ रही थी कि 1791 के बाद जब संविधान बन गया था तो लगभग जो राजनीतिक पद थे व राजनीतिक अधिकार जो थे उन पर प्रभुत्व जो था संपूर्णतः, या उनके ऊपर जो फायदा जो उठा रहे थे वो सिर्फ अमीर वर्ग के लोग उठा रहे थे, अमीर वर्ग के लोग उठा रहे थे, चाहे वो कुलीन वर्ग से आए हुए अमीर थे और चाहे वो थर्ड स्टेट के व्यापारी या बड़े व्यवसायी थे। यानी अब क्या है, सत्ता जो थी वो राजा के हाथ से हटकर किसके पास आ चुकी थी, अमीर वर्ग के पास पहुंच चुकी थी, जिसका भी क्या है, विरोध होना स्वाभाविक था लगातार। और इसके लिए क्या है, इस बात के लिए कि यह सत्ता जो है वो राजनीतिक पद जो है, अधिकार जो है वो अमीर वर्ग के पास पहुंच चुका है, इसके बारे में जो सीधा तौर पर पता चलता है वो क्या है, लोग क्लबों, उन्होंने क्या है, क्लब बना लिए थे, ठीक है, और वहाँ पर क्या है, राजनीतिक चर्चा हुआ करती थी लगातार, उनके विषयों के ऊपर वाद विवाद हुआ करते थे कि भी किस प्रकार से उन्होंने ऐसा कार्य किया है जिसके कारण सिर्फ जो सत्ता है, प्रभुत्व सत्ता है वो क्या है, व्यापारियों के पास या सिर्फ अमीर लोगों के पास आ चुकी है। इन सभी में क्या है, सबसे जो फेमस क्लब था उसका नाम था जैकोबिन क्लब। सबसे फेमस क्लब जो था जैकोबिन क्लब था। उस जैकोबिन क्लब के अंदर क्या है, भारी मात्रा में जो लोग थे वो इकट्ठा हुआ करते थे। जैकोबिन क्लब जो है वह भूतपूर्व रूप में क्या है, जैकोबियन कॉन्वेंट के नाम से जाना जाता था, कॉन्वेंट के नाम से जाना जाता था। यहाँ एक वर्ड आता है कॉन्वेंट, जिसका अर्थ है कि जो पुराने समय में चर्च वगैरह हुआ करते थे, चर्च या धार्मिक संस्था से जुड़े हुए लोगों के जो स्थान थे, संस्था से जुड़े लोगों के जो घर थे, संस्थान थे, उनको क्या कहा जाता था, कॉन्वेंट कहा जाता था। बाद में यानी यहाँ पर क्या है, एक तौर पर एक तरह से धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। तो इस तौर तरह सीधा सा कह सकते हैं कि कॉन्वेंट वो स्थान थे जो धार्मिक शिक्षा के केंद्र थे। उसको हटाकर क्या है, जैकोबियन क्लब बनाया गया था, जहाँ पर राजनीतिक चर्चा
हुआ करती थी और उसमें क्या है अधिकारों के बारे में भी बातें होती थी। इसी के साथ साथ क्या है महिलाएं भी जो थी उन्होंने भी अपने क्लब बनाए थे, जिसके बारे में क्या है अपने एक आगे भाग आएगा कि महिलाओं का क्रांति में क्या रोल था उसके अंदर पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि जयपोबियन क्लब में क्या है मुख्य जो सदस्य थे वो समाज के समृद्ध वर्ग के लोग नहीं थे, वो क्या है छोटे मोटे दुकानदार मजदूर कारीगर वगैरह जो थे वो क्या है जैकोबियन क्लब के सदस्य हुआ करते थे, जिनको अभी भी क्या है राजनीति की थोड़ी जानकारी होना प्रारंभ हुआ था, जैसे जूता बनाने वाले पेस्ट्री बनाने वाले पाव रोटी बनाने वाले, छोटे दुकानदार, घड़ी साज, ये इस प्रकार के जो लोग थे वो सदस्य थे जैकोबियन क्लब के सदस्य थे। और ये है क्या है अपनी दिहाड़ी मजदूरी वगैरह जो है उसके द्वारा ही अपना घर रोजगार चलाया करते थे। उन सभी का नेता था मैक्स मिलियन रोब स्प्रे। इन सभी का जो नेता था वो मैक्स मिलियन रोब स्प्रेयर, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये रोब्स प्रेयर। तो रोब्सप्रेयर इनका नेता था, जिसने क्या है भाषण भी दिए थे कि किस प्रकार हम सिर्फ स्वतंत्रता प्राप्त करके ही अपने राष्ट्र को क्या है प्रत्येक व्यक्ति को समृद्ध या बिना शोषण के नहीं रख सकते हैं, हमें क्या है उन सभी लोगों को हटा देना चाहिए, उनको मार देना चाहिए जो क्या करना चाहते हैं इस पूरे समाज को सिर्फ अपना समझकर उसको कंट्रोल एक तरफ से केंद्रीय तरीके से क्या है कंट्रोल में करना चाहते हैं। तो इसके विचारों से लोग क्या है शुरुआत में बहुत ज़्यादा सहमत थे, लेकिन बाद में क्या है चेंजेज आना शुरू हुआ। लेकिन सबसे पहले क्या है इस प्रकार की शुरुआत किस प्रकार से होती है, इसकी शुरुआत होती है शोकुलात नामक व्यक्तियों से। ये शोकुलात कौन थे भाई, ये शोकुलात वो लोग थे जो धारीधार पैंट यानी पैंट में क्या है धारियां वगैरह थी उनके, ठीक है धारियां बनाई हुए थे, लाल टोपी पहना करते थे। धारीदार पैंट का उद्देश्य उनका पहनने का ये था कि वो साधारण वर्ग के लोग हैं, ज़्यादा अमीर नहीं हैं, ये प्रदर्शित करना चाहते थे। लाल टोपी का अर्थ था स्वतंत्रता, यानी वो स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे लाल टोपी को। ये शोकुलात वर्ग के लोग थे या शोकुलात जो लोग थे वो एक प्रकार से इस प्रकार की पोशाक पहन कर, या इसको एक तरह से पोशाक कह सकते हो आप, तो इस प्रकार की पोशाक पहन कर क्या करना चाहते थे जो फैशन परस्त यानी अमीर जो लोग थे उनके ऊपर क्या है एक प्रकार से कटाक्ष करना चाहते थे। वो दिखाना चाहते थे कि जो राजनीति है या सत्ता की जो केंद्रात्मकता है वो एक समय के लिए क्या है आपके पास हो सकती है लेकिन हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि जो अमीर लोग थे वो क्या है जो पैंटें आती थी ना पहले जिनके क्या है घुटनों के ऊपर क्या है अलग अलग तरीके से क्या है जैसे कपड़ा बांध कर वगैरह तैयार की हुई पैंटें होती थी, उन जिनको क्या कुनात वगैरह कहा करते थे उन पैंटों को, सॉरी इनको बोलते थे ब्रीचेस, ये ब्रीचेस नाम की पैंटें आया करती थी उस समय जो सिर्फ अमीर वर्ग के लोग पहना करते थे। इनको ये सबक सिखाने के लिए एक प्रकार से प्रतीकात्मक राजनीति की गई थी या प्रतीकात्मक विरोध किया गया था प्रतीकात्मक विरोध किया गया था
जनता के द्वारा, जो निचले तबके के लोग थे, क्योंकि उन्होंने वही सबसे पहले उस समय क्या है शोषित वर्ग था, और बाद में भी क्या है फिर से उसी का शोषण होना लगा था। सत्ता राजा से हटकर क्या है अमीरों के पास आ चुकी थी, उसका भी क्या है विरोध होना स्वाभाविक सी बात थी। 1792 में क्या है जेकोबी जो लोग थे वो खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव के कारण पेरिसवासियों को लेकर क्या है एक हिंसक विद्रोह की योजना बनाई उन्होंने, और 10 अगस्त की सुबह उन्होंने टुलिए के महल पर धावा बोल दिया और राजा के रक्षकों को भी मार दिया। अब क्या करते हैं ये जो जैकोबियन लोग थे, जैसा कि मैंने बताया गरीब लोग थे, तो जैसे ही क्या है खाद्य पदार्थों की महंगाई में वृद्धि हुई, और साथ ही साथ क्या हुआ अभाव भी आया, क्योंकि अभाव के कारण ही महंगाई बढ़ी थी, तो अभाव और महंगाई बढ़ने के कारण क्या है उन्होंने एक क्रांति करने का या हिंसक विरोध करने का योजना बनाई कि हम राजा के घर में जाकर इस प्रकार का विरोध करेंगे, जिसके द्वारा क्या है उनको सत्ता से हटाने का और सिर्फ अमीर लोगों को सत्ता पर न रहने का उन्होंने निर्णय लिया। ये कब की बात है 10 अगस्त 1792 में उन्होंने ऐसा किया, और इस प्रकार का विद्रोह करके उन्होंने टुलिरिया नामक महल पर क्या है उस वर्ग के लोगों ने क्या है हमला किया। कई घंटों तक तो क्या है राजा को भी बंधक बना के रखा गया, कई घंटों तक राजा को बंदी बना कर रखा गया और उसके सैनिकों को भी मार डाला या बंदी बना लिया गया था। अब क्या है जब इस प्रकार की घटना हुई तो नर निर्वाचित असेंबली जो थी उसका नाम चेंज कर दिया गया, नवनिर्वाचित असेंबली का नाम यानी नेशनल असेंबली जो उसका पहले नाम था उसको चेंज करके कन्वेंशन कर दिया गया। अब ये याद रखना होगा आपको कि असेंबली जो है नेशनल असेंबली उसका नाम चेंज हो गया है और उसका नाम क्या है कन्वेंशन कर दिया गया है 21 सितंबर 1792 को क्या है राजतंत्रकांत कर दिया गया। 21 सितंबर 1792 को क्या है फ्रांस में राजतंत्र का एक बार के लिए क्या कर दिया गया अंत कर दिया गया। उस दिन से राजा को उसके पद से हटा दिया गया और वहाँ पर क्या है सीधा शासन किसका कर दिया गया कन्वेंशन का कर दिया गया, और कन्वेंशन ने क्या है राजतंत्र की बजाय फ्रांस को एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। कितनी 21 सितंबर 1792 को। तो यहाँ तक क्या है हमने 3 पॉइंट को कवर किया है कि संवैधानिक राजतंत्र क्या था, राजतंत्र का उन्मूलन किस प्रकार से हुआ है इसके बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा अपना अंतक का राज डिटेक्टरी शासित फ्रांस, उनको क्या है नेक्स्ट वीडियो में अपने कवर करेंगे। यहाँ तक आप इसको पढ़ें याद करें और उसके बाद इसको नोट्स तैयार करके लिखें भी। धन्यवाद।